बीजेपी ने मध्य प्रदेश के बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। विजयपुर से रामनिवास रावत और बुधनी से रमाकांत भार्गव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि रमाकांत भार्गव बरीसा रायसेन बुधनी संसदीय सीट से सांसद रह चुके हैं। रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे और मोहन सरकार में मंत्री हैं। बता दें कि रमाकांत भार्गव को बुधनी विधानसभा सीट से बजरी शनिवार को टिकट देने की घोषणा हुई है, लेकिन पहले से ही उन्हें टिकट मिलना तय था। पार्टी ने उन्हें पहले से ही आश्वस्त कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने टिकट घोषित होने से पहले ही चुनाव प्रचार की तैयारियां शुरू कर दी थी। रमाकांत भार्गव के चुनाव प्रचार वाहन की फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। वहीं रमाकांत भार्गव को शिवराज सिंह चौहान काफी करीबी माना जाता है। करीब 6 बार रमाकांत भार्गव शिवराज सिंह चौहान के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इधर विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे रामनिवास रावत पहले ही कैबिनेट मंत्री पद और उपचुनाव में यहां से पार्टी का टिकट देने के वादे के साथ ही बीजेपी में आए थे। ऐसे में पार्टी का उन्हें टिकट देना तय था। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान विधायक और मंत्री बनने की शर्त पर ही वो बीजेपी में आए हैं। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर 2024 तक नाम निर्देशन भरने की अंतिम तारीख है। 28 अक्टूबर को प्रत्याशियों की स्क्रूटनी होगी, वहीं 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। विजयपुर और बुधनी दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को मतदान होगा। इसके परिणाम 23 नवंबर को आएंगे।